जनपद में क्रय केंद्रों पर 30 जून तक गेहूं की खरीदारी होगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 136 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी चल रही है तथा उन्होंने बताया पिछले साल की तुलना में इस साल 150% से ज्यादा गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। यह खरीदारी जनपद में 30 जून तक होगी। उन्होंने जनपद के किसानों से अपील करते हुए कहा कि साफ सुथरा गेहूं क्रय केंद्रों में ले जाकर बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने कहा किसान किसी भी क्रय केंद्रों पर अपनी सुविधा अनुसार बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से कहीं से भी गेहूं खराब होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूँ। हमारे जनपद में इस समय 136 गेहूं क्रय केंद्र क्रियाशील हैं। गेहूं की खरीद चल रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले जितना हमने पिछले वर्ष इस समय तक खरीदा था और अभी जितना खरीदा हुआ है, इन दोनों का अगर तुलना किया जाए तो लगभग हम 150% से भी ज़्यादा इस बार खरीद कर चुके हैं। ये खरीद 30 जून तक होनी है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि साफ सुथरा गेहूँ ले आएँ, सत्यापन अपना करा लें और जिस भी केंद्र पर ले जाना चाहें, किसी भी गाँव की टैगिंग नहीं है, संबद्धीकरण नहीं है, वो किसी भी केंद्र पर जाकर अपना गेहूँ विक्रय कर सकते हैं। नहीं, बारिश से गेहूँ खराब नहीं हुआ, चूँकि बारिश का पूर्वानुमान पहले से ही था। ये घोषणा हो गई थी समाचारों में या सब जगह मालूम था कि किस दिन बरसात होगी, इसलिए गेहूँ क्रय केंद्रों पर भी और किसानों ने भी अपने गेहूँ को सुरक्षित रख लिया था। जनपद में